जेबीकेएसएस जेएलकेएम के विरोध के बीच लौह नगरी में निकला यूपी बिहार स्वाभिमान यात्रा। शामिल हुए यूपी बिहार के लोग, नहीं पहुंचे भाजपा नेता मनीष कश्यप। बोले आयोजक सागर तिवारी, साजिश के तहत रोका गया मनीष कश्यप को, जारी रहेगा संघर्ष। लौह नगरी जमशेदपुर में रविवार को यूपी बिहार स्वाभिमान यात्रा निकाली गई, जिसमें शहर में रहने वाले यूपी और बिहार के लोगों ने शिरकत की। हालांकि इसमें भाजपा नेता मनीष कश्यप को भी शामिल होना था, मगर उन्हें रांची में ही रोक दिया गया। आयोजन सागर तिवारी ने बताया कि मनीष कश्यप को सुरक्षा का हवाला देकर रांची में ही रोक दिया गया। उन्होंने बताया कि इस यात्रा के जरिए झारखंड में रह रहे यूपी बिहार के लोगों को सम्मान दिलाना था। उन्होंने बताया कि जिस तरह से यूपी और बिहार के लोगों की तुलना बांग्लादेशी घुसपैठियों से की जा रही है, उससे यहां रह रहे यूपी और बिहार के लोग आहत है। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर 2000 से पहले से यहां रह रहे लोग झारखंडी है, मगर यहां के राजनेता साजिश के तहत उन्हें नागरिकता देने से इनकार कर रहे हैं। यह लड़ाई उसी की है और यह जारी रहेगा। बता दें कि इस यात्रा को लेकर झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, जो अब झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा बन गई है, ने विरोध किया था। बावजूद इसके यह यात्रा निकाली गई। यह यात्रा बारीडी चौक से लेकर एग्रीको चौक तक निकाली गई। जी ये बताइए, स्वाभिमान एकता यात्रा का आयोजन किया गया, मनीष कश्यप जी के आने की सूचना मिली थी, एक जुटान था, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? जमशेदपुर में स्वाभिमान एकता यात्रा बिहार यूपी के लोगों का जुटान का आयोजन रखा गया था 22 सितंबर को, और इसमें बतौर मुख्य अतिथि मनीष कश्यप आने वाले थे, जो कि दो दिन पूर्व से झारखंड में आ चुके हैं, जिनका विरोध देवघर जिले में हो चुका है, और अभी रांची में कल रात तक मैं और मनीष कश्यप एक साथ थे। आज सुबह जब मनीष कश्यप वहां से निकलते हैं तो मनीष कश्यप को रांची में रोक दिया जाता है। मनीष कश्यप को प्रशासन का ये बतलाकर कि हम सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, मनीष कश्यप को वहां पे रोक दिया गया। लेकिन कार्यक्रम अपनी तय समय से यहां पर शुरू हुआ, और हमारा एकमात्र लक्ष्य था कि बिहार यूपी के लोगों का महाजुटान करें। हम महाजुटान का एकमात्र लक्ष्य है, क्योंकि विधानसभा के भीतर और विधानसभा के बाहर कुछ नेता झारखंड को तोड़ने के लिए, झारखंड की शांति व्यवस्था को खत्म करने के लिए बिहार यूपी के लोगों की तुलना बांग्लादेशी घुसपैठ से कर चुके हैं, और हमने उसी दिन तय किया था कि हम बिहार यूपी के लोग बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं। लोग कहते हैं कि झारखंड में बिहार यूपी लोगों का जुटान क्यों, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, 15 नवंबर 2000 से पहले जिनका जन्म जमशेदपुर में हुआ था, वो जमशेदपुर बिहार प्रदेश में, यहाँ जन्म हर एक व्यक्ति जो 15 नवंबर से पहले का है वो सभी बिहारी है, और मैंने ये यात्रा, अगर कोई लगता है कि विशेष लोगों के लिए है, तो यात्रा में मैंने फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से झारखंड में रहने वाले हर समाज के लोगों को नहीं। ऐसे कौन नेता हैं जो चाहते हैं, ये कहते हैं कि बिहार यूपी के लोग बांग्लादेशी? सदन में सबको जाता, शिल्पी नेहा तिर्की का बयान आपने सुना था, और उन्होंने बाद में मीडिया में माफ़ी मांगने के लिए जब हमने जोर दिया तो मीडिया के सामने उन्होंने ये बात को स्वीकारा कि मैं इस बात की माफ़ी नहीं मांगूंगी। तो ये विरोध पूर्ण रूप से शिल्पी नेहा तिर्की और जो लोग उनका सहयोग कर रहे हैं उन लोगों के लिए। ये यात्रा बारीडी चौक से एग्रीको चौक तक निकाल गया। मनीष कश्यप जी आ रहे हैं? मनीष कश्यप जी अभी तक रास्ते में संघर्ष ही कर रहे हैं, अभी तक वो यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश में एक अतिथि को अपने कार्यक्रम तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा, उस देश में लोकतंत्र की क्या स्थिति? क्या परिचय हुआ? सागर तिवारी, आयोजक स्वाभिमान इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।